यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछी चिड़िया कैसे बना आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल भीमा चित्र पर। सो वेलकम बैक एवरीवन, जितने भी लोग हैं दिल से स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं मनरेगा में 1278 पदों पर भर्ती की। तो ये भर्ती कैसे होगी, वेबसाइट नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं ओपन हो रहा है, तो आखिर भर्ती होगी कैसे, बिल्कुल इस चीज को जान लें। एवरीवन वीडियो को एंड तक देखें, एक एक पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं। आइए स्क्रीन पर सबसे पहले बात करते हैं आपके पद कितने हैं दोस्तों। आपके चार पद हैं, कौन कौन से हैं, एडिशनल प्रोग्राम अफसर के, एडिशनल प्रोग्राम के अफसर के पद हैं। और इसमें दोस्तों कितने पद हैं, यहां पर आप देख सकते हैं 191। और आपकी जो योग्यता होगी, जो पात्रता मतलब आप भर सकते हो, क्राइटेरिया क्या होगी, तो ये आपका है पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी और आप तभी अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी आपकी कितनी है दोस्तों, 28,000 रुपए। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। सबसे अच्छी चीज यहां पर मैं इंफॉर्मेशन देने से पहले एक चीज ये बता दूं, ये भर्ती आप लोग मानदेय पर समझिएगा बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी भर्ती है। यहाँ पर जो सेलेक्ट हो जाता है वो कभी निकलता उकलता नहीं है। इस चीज को अपने यहाँ सेट कर लो कि भैया ये मानदेय भले ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कोई वापस नहीं जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों ये। चलिए, तो आपने देख लिया एडिशनल प्रोग्राम अफसर के बारे में, 191 पद और पोस्ट ग्रेजुएट आपकी डिप्लोमा है और आपको सैलरी मिलेगी 28,000। दूसरा आता है पॉइंट दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट की, 197 पद हैं। इसमें बीकॉम अनिवार्य किया गया, जिसको हम कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। बीकॉम वालों को बहुत अच्छी बात है, आप इसमें जरूर आवेदन करें और आपकी सैलरी होगी कितना दोस्तों, 11,200 रुपए। चलिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत से टैलेंटेड मेरे भाई ऐसे हैं जो उनके अंदर तो बहुत टैलेंट है लेकिन कोई जॉब नहीं है, तो वो एक बार जरूर ट्रायल करें। अच्छा, ट्रायल करने से सबसे पहली बात दोस्तों ये चीज है, पहले आओ पहले पाओ। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भाई पहले आवेदन करेगा उसको जो है प्रथम वरीयता दी जाएगी, उसके फार्म पर सबसे पहले विचार किया जाएगा। वो जब क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पाएगा उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे को ध्यान दिया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट का, असिस्टेंट अकाउंटेंट का 197 पद और बीकॉम अनिवार्य है, 11,200 रुपए सैलरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात मैंने कर ली, लेकिन इसमें 116 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर टैलेंट से नहीं, वो कहते हैं आमिर खान जी ने कह दिया कि डिग्री की कोई जरूरत नहीं, लेकिन भैया डिग्री की जरूरत है। यहां पर अगर मैं मान लूं आपको कंप्यूटर की नॉलेज ठूस ठूस के आपके अंदर भरी है, सरकार इसको मानने वाली नहीं है। जब तक आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट, जो मेरे ख्याल से 1 वर्ष का डिग्री होता है, कंप्यूटर का कोर्स होता है, और इसे आप ऑनलाइन एग्जाम 6-6 माह में 2 बार देते हैं, पहली बार पास होंगे तो फिर दूसरी बार आप देंगे एग्जाम, यानी कि 1 वर्ष का कोर्स होता है बट आपको एग्जाम 6 माह देना पड़ता है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। कोई इससे बेहतर जानता होगा तो कमेंट करके मुझे भी बताइएगा प्लीज। चलिए, इसके बाद यहां पर बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट की दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट है और बहुत ही नॉर्मल डिग्री है। लगभग मेरे सभी भाई, सभी तो नहीं कह सकते लेकिन हर विलेज में 10 12 20 तो मिल ही जाएंगे। यहाँ पर 744 पोस्ट है, 10+2+ अगर आपने मैकेनिकल किया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक से ट्रेड में डिप्लोमा प्राप्त किया हो, आई थिंक दोनों नहीं चाहिए, या का मतलब होता है दोनों में से एक कोई भी हो चलेगा क्या, दौड़ेगा, यानी कि 10+2 हो, या तो आपके पास मैकेनिकल ट्रेड डिप्लोमा हो या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल जो है ट्रेड डिप्लोमा हो, तो आप आवेदन कर सकते हो। आपकी भी सैलरी 11,200 रुपए होने वाली है। तो बिल्कुल इतनी बातों आपने समझ लिया। अब बात करते हैं एज की, आपकी एज बंधु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन जुलाई में आपकी पूरी होनी चाहिए,
मैंने एज कैसे निकाला जाता है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, अभी दो दिन पहले ही अपलोड किया, उसे आप जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पर है, यानी कि भीमा चित्र चैनल पर। तो भाई आप जुलाई में 21 वर्ष आपकी पूरी होनी चाहिए। ऑनलाइन का मेथड क्या है, मतलब अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो ऑनलाइन अप्लाई जो है ये बिल्कुल पूर्णतया ऑनलाइन है, ऑफलाइन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। वेबसाइट आपकी क्या है, सेवा योजना पोर्टल। एक चीज याद आया, सेवा योजना पोर्टल से काफी बंधु ये भी कमेंट कर रहे हैं, सर भर्ती तो निकल गई वेबसाइट ओपन ही नहीं होना। बिल्कुल बहुत ही कष्ट की बात है, फॉर्म भरे ही नहीं जा रहे। आई थिंक वहां पर सर्वर नॉन रिचेबल बता रहा है, मतलब लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल मैं प्रॉब्लम समझता हूं। लेकिन अभी रात में चल रहा था, आपसे बताऊंगा कि ट्रायल करते रहें, और भाई वो ऐसा ही है, इसी वजह से तो जो धाएगा वही पाएगा। एक बार क्लिक करो आवेदन, जिस चीज के लिए पाने पर हमें बहुत तकलीफ होती है उसे मैं जिंदगी भर, मैं क्या कोई भी हो, कोई भी चीज आपको बहुत ही मुश्किल से मिल रही है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है, तो जिंदगी में उसके वैल्यूज पता लगती है। तो भाई इस नौकरी में देखिए कंपटीशन बहुत है, बहुत से युवा बेरोजगार हैं, तो भाई जो मेहनत करेगा उसी का फॉर्म ऑनलाइन होगा। वेबसाइट चल रही है लेकिन ना के बराबर, तो लगे रहें, होगा जरूर होगा। और जिसका फॉर्म हो गया ना बंधु, वो सिलेक्शन पा लिया, आधी सीढ़ी पार कर ली, इस बात को आप लोग जान लीजिए। तो सेवा योजना पोर्टल है, आप आराम से जा सकते हैं, वहां पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर है पहले आवेदन करने वालों पर विचार किया जाएगा, बिल्कुल सही है, जो पहले आवेदन कर देगा उसकी पूरी रिकवरी होगी, बंदे में सब कुछ फिट, तो उसके बाद जिसने आवेदन किया कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए पहले आवेदन करने की कोशिश करें, और आवेदन कैसे होगा ये आप सभी को मैंने बता दिया दोस्तों, ऑनलाइन होगा पूर्णतया। तो सो आज की वीडियो में मैंने जो भी बताया, जानकारी आपको बेहतरीन लगी होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आपको बता दूँ भीमा चित्रा स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपको तरह तरह की अपडेट कराई जाती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपको प्रिपेयर कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ें, और जो भी हो आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ पर प्रेजेंटेशन मिलता है, ताकि आपको एक सफलता प्राप्त करवाया जाए, सफलता मिले आपको, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बातें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर अभी भी कोई डाउट्स है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो वीडियो पर एक कमेंट करना और प्यारे से एक झप्पी देना सब्सक्राइब वाले बटन को। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।